जोधपुर उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनियम जुबली के समारोह में दुनिया के सबसे बड़े नेता, देश के यशस्वी और कर्मशील प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, एक बार मैं आपसे कहूंगा कि राजस्थान के इस धरती पर जोरदार तालियों के साथ आप सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिबाबू किशन राव बागड़े जी, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना जी, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी न्यायाधीश महोदय एवं अधिवक्ताओं का प्रदेश की इस भूमि पर अतिथि सत्कार परंपरा के अनुसार समस्त प्रदेशवासियों की ओर से मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी के लिए हर्ष और आनंद का विषय है कि हम सभी यहां उच्च न्यायालय के प्लेटिनियम जुबली समारोह में एकत्रित हुए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का यह स्वर्णिम इतिहास रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय का नाम उन 9 उच्च न्यायालयों में गर्व के साथ लिया जाता है जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान भी न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने का काम किया था। जब आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तब इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दे सके। ये निर्णय इस बात का प्रमाण है कि न्यायालय ने हमेशा कानून का शासन का सम्मान किया है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहा है। 1949 में इसके शुभारंभ के बाद यहां के कई माननीय न्यायमूर्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में बतौर न्यायाधीश सेवाएं भी दी हैं। यह इस न्यायालय के लिए गौरव की बात है कि ऐसे न्यायविदों ने यहां से शुरुआत की और देश के न्यायपालिका में उच्च स्थानों तक पहुंचे। राजस्थान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एक टीम की तरह काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि लोक अदालतों में प्रदेश सरकार और न्यायपालिका ने अच्छा काम किया है। इसकी वजह से ढेरों मामले आपसी समझाइश से सुलझे हैं और उन लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से निजात भी मिली है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने त्वरित कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बरसों पुराने कानूनों को खत्म करने, नए कानूनों से प्रक्रिया को आसान बनाने और नियमों के सरलीकरण जैसे काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेशन और सरलीकरण पर जोर दिया है, क्योंकि कोई भी संस्था या ऑफिस ये कितना भी महत्वपूर्ण है, इसके बिना जनता का विश्वास नहीं जीत सकती। सरलीकरण के उदाहरण के तौर पर जन विश्वास अधिनियम 2023 को लिया जा सकता है, जिसमें 42 केंद्रीय कानूनों में से 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करके व्यापार करने में आसानी लाने के लिए बनाया गया है। इस तरह के कदम से आम जन का विश्वास बढ़ता है और व्यवस्था अधिक प्रभावशाली तथा पारदर्शी भी होती है। आधुनिकीकरण के लिए हम एक उदाहरण के तौर पर मिशन कर्मयोगी देख सकते हैं। ये देखने में आता है कि कई बार अधिकारियों को कानूनों की जानकारी नहीं होती, मामला अदालतों में चला जाता है। इस समस्या के समाधान को मिशन कर्मयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है। जहां ऐसे कोर्स हैं जिनके माध्यम से अधिकारी वर्ग को कानूनों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है, राजस्थान में हमने
मिशन कर्मयोगी में बहुत गंभीरता के साथ काम किया है, क्योंकि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से अधिकारियों को कानून संबंधी विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिल रहा है। राजस्थान राज्य से मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगोट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 5,30,000 से अधिक कार्मिक पंजीकृत हैं और राजस्थान सरकार के 2,35,000 से अधिक कार्मिकों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया गया है। राजस्थान देश का यह पहला राज्य है जहां 5,00,000 से अधिक कार्मिक पंजीकृत हैं और हम देश के किसी अन्य राज्यों से काफी आगे भी हैं। हमने डिजिटल इनिशिएटिव के लिए जो लॉन्च होते हुए देखा है, डिजिटलाइजेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए हमने भी राजस्व मामलों में डिजिटलाइजेशन में नवाचार किए हैं। प्रदेश में नामांतरण प्रक्रिया को सरल करने और समय पर लोगों को सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नामांतरण को ऑनलाइन और पेपरलेस करने का काम किया है। साथ ही खातेदारों की कृषि भूमि के आपसी सहमति से विभाजन की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। बजट में हमने अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बार काउंसिल को एक बार ये सहायता के रूप में 7,50,00,000 रुपए देने की घोषणा भी हमने की है। इन 75 वर्षों में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनगिनत महत्वपूर्ण फैसलों के माध्यम से देश और राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को समृद्ध किया है। ये न्यायालय हमारे संविधान के मूल्यों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सच्चा प्रहरी बना हुआ है। कोई भी समाज आधुनिक, विकसित एवं सौहार्दपूर्ण तभी बन सकता है जब वे अपने लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। अंत में मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी सदस्यों को उनके समर्पण, ईमानदारी, कठिन परिश्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। हम सब मिलकर न्याय की इस यात्रा को और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।